हेलो एंड वेलकम टू वाई क्लासेस क्लासेज़ बच्चों आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर सेवन जिसका नाम इक्विलिब्रियम है वो शुरू करेंगे तो आपको मैं बताता चलूँ कि आप ये बात याद रखें कि इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पे हम जनरल सेंस से इसका नाम इक्विलिब्रियम बता रहे हैं अदरवाइज़ हम इस इक्विलिब्रियम को जो है वो दो कैटेगरीज से जो है वो स्टडी uh, करते हैं ठीक है दो कैटेगरीज में डिवाइड करके इनको इसको स्टडी करते हैं एक को हम कहते हैं बेटा वन इज़ कॉल्ड वन इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम ठीक है एक हम केमिकल इक्विलिब्रियम वाले पार्ट जो है इक्विलिब्रियम uh, का वो पढ़ते हैं और एक जो है वो हम पढ़ते हैं अयोनिक इक्विलिब्रियम ठीक है अयनिक इक्विलिब्रियम तो ये थोड़ा सा आप जो है जहन में रखेंगे और अब हम सबसे पहले जो है इक्विलिब्रियम स्टेट जानेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है देखिए अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस इफ़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस आर केमिकल रिएक्शन कैरीड आउट इन अ क्लोज्ड कंटेनर बच्चों अगर हम गिवन सेट ऑफ कंडीशंस पे एक रिवर्सिबल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन को अगर हम एक क्लोज कंटेनर में ठीक है मतलब उसको परफॉर्म करें तो ए कंस्टेंसी इन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ कॉन्स्टेंसी का मतलब हो गया कि कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ उस समय उस दौरान उस प्रोसेस के दौरान उस क्लोज कंटेनर के आ, प्रोसेस के दौरान जो है हमें कुछ ऑब्जर्वेबल मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ लाइक कलर लाइक इंटेंसिटी लाइक द प्रेशर टेम्परेचर एंड डेंसिटी एट्सट्रा इज़ ऑब्जर्वड टू बी कॉन्स्टेंट मतलब ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं उस समय क्या रहती हैं बच्चों कॉन्स्टेंट रहती हैं तो सच अस्टेट देन इज रेफर टू एज एन इक्विब्रियम स्टेट देखो मैं आपको यहाँ पे इसी तरह से हम इस इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम बात एक ही है अगर आपको ये डेफिनेशन शिट नहीं करती है तो आप इस तरह से लिख लिख सकते हो इसका डेफिनेशन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूं इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज दफ आ सिस्टम, सिस्टम की बेटा वो स्टेट एट विच दे मेजरेबल प्रॉपर्टीज एट विच दे मेजरेबल एट विच दे मेजरेबल प्रॉपर्टीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक यू कैन से मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक कलर लाइक डेनसिटी Like pressure, temperature, okay, etc. Do not change. Do not change with time. Time means as the time passes during the course of the process or reaction, the measurable properties like color, density, pressure, temperature, etc. दे डो नाट चेंज दैन ओके तब जो है ये मेजरेबल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं होती हैं और फिर हम ऐसे स्टेट ऑफ सिस्टम को जो है ये कहते हैं कि ये इक्ब्रियम uh, स्टेट पे जो है ये सिस्टम है वो माना जाता है यानी हम इस प्रोसेस uh, को तब इक्ब्रियम कहते हैं ठीक है ऐसे सिस्टम को ऐसे प्रोसेस को हम इक्ब्रियम कहते हैं या हम या हम इसको ये कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये जो सिस्टम है इट इज नाउ सेड टू बी इन इक्विब्रियम स्टेट ऐसा आप यहां पे कह सकते हो ठीक है आप जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है इक्विब्रियम के बारे में बेटा एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिखाऊंगा यहां पे कि आपने याद रखना है कि इक्वलिब्रियम इज अपटेंट जब भी आप इक्विब्रियम की बच्चों बात करोगे तो इक्विब्रियम इज अपटेंट इक्विब्रियम इज अपटेंट ऑनली इन रिवर्सिबल ऑनली इन रिवर्सिबल प्रोसेसिज आर यू कैन सी इन रिवर्सिबल रिएक्शन्स रिवर्सिबल प्रोसेस के अंडर ही जो है ये एक्ब्रियम हमेशा आपको आता जाएगा इ रिवर्सिबल रिएक्शंस में कोई इक्िब्रियम जो है वो हमको नहीं दिखेगा यह बात आप याद रखेंगे क्योंकि देखिए हमें मालूम होना चाहिए कि जो केमिकल रिएक्शन होती है केमिकल प्रोसेस जो होता है ये बच्चों दो तरह का होता है ठीक है अगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि केमिकल इक्विब्रियम जो है ये अपटेंड होता है सिर्फ़ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस में तो हमें मालूम होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन जो है वो दो तरह की होती है केमिकल <coughs> रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल मानी जाएगी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं सपोज करें कि मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है ए प्लस बी ये इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं जब ये रिएक्टेंट्स जो आपस में कंबाइन होंगे जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो यहाँ पे जब ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे सपोज कीजिए कि इन्होंने C प्लस डी जैसा प्रोडक्ट कोई बना लिया और अब जब ये C प्लस डी प्रोडक्ट मैं एक जनरल सेंस से ये बात आपको समझा रहा हूँ जब ये C प्लस डी प्रोडक्ट जो है बेटा अगेन आपस में कंबाइन होंगे और ये वापस जो है ये ए प्लस बी जैसे रिएक्टेंट्स यानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ पे याद रखना कि इक्विलिब्रियम जब भी आए तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आएगा ये तो हमने आपको बता दिया और इक्विलिब्रियम कहो या एक रिवर्सिबल प्रोसेस को हम इस साइन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम कहते ही हैं रिवर्सिबिलिटी साइन रिवर्सिबल सिंबल रिवर्सिबिलिटी साइन जिसमें हम क्या करते हैं एक हाफ हेडेड एरो जो इस तरह का है इसको हम फारवर्ड रिएक्शन पढ़ते हैं बच्चों और जो ये वाला है इसको हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं यानी रिवर्सिबिलिटी साइन में दो तरह के मीनिंग होते हैं वन इज़ जो ये फॉरवर्ड की तरफ होता है आगे की तरफ एरो होता है बेटा इसको हम फॉर्वर्ड uh, रिएक्शन कहते हैं और जो ये पीछे की तरफ होता है उसको हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं ठीक है तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जब कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बनाएं और प्रोडक्ट्स वापस जो है वो डिसोसिएट होकर क्या कर दें रिएक्टेंट्स वापस बनाएं तो ऐसी रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन में ही रिवर्सिबल प्रोसेस में ही मैंने आपको बताया कि याद रखना एकब्रियम पॉसिबल हो सकता है अब दूसरी चीज़ हो गई इ रिएक्शन या इ प्रोसेस क्या होता है इ या इरिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन बच्चों वो रिएक्शन होती है जिसमें सपोज़ कीजिए कि जो भी रिएक्टेंट्स होंगे मान लीजिए कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स जो होंगे जनरली मैं उनके लिए आर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ जब रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे और प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो वापस कन्वर्ट रिएक्टेंट्स में नहीं होंगे तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं इिवर्सिबल रिएक्शन इवर्सिबल रिएक्शन और इ रिएक्शन में सिर्फ एक ही एरो हमारे पास यहाँ पर नोटेशन में होता है जिसे हम जो है वो इिवर्सिबल सिंबल कहेंगे कि वंस दे रिएक्टेंट्स कंबाइंड एंड दे फॉर्म आर प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इस द प्रोडक्ट इस टर्न विल नॉट फॉर्म द रिएक्टेंट्स तो प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पर वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में बदल नहीं सकते हैं तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं ठीक है तो ये थोड़ा आपने यहाँ पे याद रखना है अगर आपने यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस जो है यानी केमिकल रिएक्शंस जो हैं ठीक है थीके? ये जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की मैंने बात की अगर बच्चों आपने इनकी डेफिनेशंस वगैरह याद रखनी हो तो आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है ए रिएक्शन इन विच ठीक है रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स अंडर सम कंडीशन एंड प्रोडक्ट्स सो फॉर्म्ड अगेन डिसोसिएट्स इन टू द रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिर डिसोसिएट होकर जो है वो क्या बनाते हैं रिएक्टेंट्स बनाते हैं अंडर द सेम कंडीशंस ठीक है तो अंडर द सेम कंडीशंस तो उसे हम कहते हैं ऐसे रिएक्शन प्रोसेस को हम या रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं और यहाँ पे आपने ध्यान करना मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इन सच रिएक्शंस बच्चों डबल हैडेड एरो हम यूज़ करते हैं क्या करते हैं जिसे हम रिवर्सिबिलिटी साइन कहते हैं तो डबल हैडेड एरो हम उसको डबल हैडेड एरो बताएंगे डबल हेडेड एरो जो है ये हम एज अ सिंबल यहाँ पर यूज़ करते हैं इस रिवर्सिबल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच ठीक है इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स ओके कुछ एग्जांपल्स बच्चों यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया H2, ठीक है प्लस N2, अगर हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रिएक्शन करते हैं और यहाँ पे डबल हेडेड एरो देते हैं जिसका मतलब जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे हम समझ लेंगे कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी और हमें भी ये पता है ये एक कॉमन रिएक्शन है जिसमें यहाँ पे जो है अमोनिया गैस बनती है ठीक है इट गिव्स राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एच थ्री दैट मीन्स अमोनिया अब ये बैलेंस करना है इसको यहाँ नाइट्रोजन दो हैं तो हम यहाँ पे बेटा दो नाइट्रोजन पूरे करेंगे लेकिन बदले में हमारे यहाँ हाइड्रोजन जो है थ्री टू जो सिक्स हो जाएंगे तो हम यहाँ पर थ्री टाइम्स एज टू करेंगे ये बैलेंसिंग का मसला है ठीक है जिसमें आप हिट एंड ट्रायल मेथड करके इसको बैलेंस यहाँ पे कर लेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसी गैसेज आपस में रिएक्ट होती हैं तो ये अमोनिया गैस जब प्रोड्यूस करती हैं प्रोडक्ट में तो जैसे ही ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यहाँ पर रिएक्ट होती हैं और अमोनिया गैस प्रोडक्ट में बनाती हैं तो अमोनिया गैस बनने के बाद बदले में इंटर्न वो क्या हो जाती है वो भी आराम से डिसोसिएट होती है ठीक है किस में बदलती है इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में अगेन जो है वो वापस हो जाती है तो एक स्टेज बेटा इनमें आ जाती है कि जब ये दोनों रेट्स जो हैं यानी हमको ऐसा लगता है कि रिएक्शन यहाँ पर यानी हमें ऐसा लगता है कि जितना अमाउंट यहाँ पर NH3 होती है वो उतनी ही रहती है कॉन्स्टेंट रहती है और जितना अमाउंट H2 और N2 का यहाँ रिएक्टेंट्स में होता है वो भी वहाँ कॉन्स्टेंट रहता है तो ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर रिएक्शन हो ही नहीं रही होती है बट एक्चुअली वहाँ रिएक्शन होती है और इनका रेट ऑफ आप, आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी इक्विलिब्रियम डेवलप होता है तो इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ़ क्या याद रखेंगे प्यारे बच्चों रेट ऑफ़ फॉरवर्ड रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं इस एडिड एरो को ठीक है इस हाफ एडिड एरो को जो आगे की तरफ होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये हमेशा बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ़ बैकवर्ड रिएक्शन ठीक है तो तभी हमें वहाँ पे ये इनका पता नहीं लगता है कि ये जो है किस तरह से एक दूसरे में बदल रहे होते हैं किस तरह से ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल रहे होते हैं तो इसका हमें इसी वजह से वहाँ पे पता नहीं लगता है क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो स्पीड होती है फॉरवर्ड रिएक्शन की वो बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होती है तो इसी तरह से हम बच्चों ढेर सारी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो ले सकते हैं इन रिवर्सिबल रिएक्शन की या रिवर्सिबल प्रोसेस की ठीक है जैसे एक और एग्जाम्पल अगर हम इम्पॉर्टेंट सी इसकी डिस्कस कर लें यहाँ पे जैसे मान लीजिए बच्चों कि अगर हमारे पास कैल्शियम ठीक है कार्बोनेट uh, है सी ए सी ओ थ्री जो कि सॉलिड है जब ये डिसोसिएट ये क्या बना लेता है बेटा सी ए ओ जिसको हम क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और प्लस जो है ये बना देता है हमारे पास सी ओ टू वो भी गैस होती है ठीक है और जैसे आप बताएंगे कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम जब डेवलप हो जाता है तो रेट ऑफ़ दिस फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी जितना कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिसोसिएट होकर जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है सेम अमाउंट जो है यहाँ से भी कंबाइंड होकर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बनाता है तो दोनों फिर उस समय उस स्टेज पे जो है माने जाते हैं एट एक्लिब्रियम स्टेट क्लियर है अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है तो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है बच्चे इसका भी डेफिनेशन हम ले लेते हैं मैंने आपको बताया भी लेकिन अगर डेफिनेशन लिखनी है आपको वो मैं बता रहा हूँ और एक चीज़ रिवर्सिबल रिएक्शन में बच्चे ये बात याद रखना है कि इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन ऑल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट्स कि सारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में बदल जाता है और फिर प्रोडक्ट्स जो है वो वापस रिएक्टेंड में आना शुरू हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर यहाँ जहाँ हम इिवर्सबल रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पे सिर्फ ऑनली आ पार्ट ऑफ रिएक्टेंट्स हियर आर कन्वर्टेड इन टू द प्रोडक्ट्स यहाँ सिर्फ पार्ट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदलता है वगैरह ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे अब इसका डेफिनेशन जो है वो है इफ़ आ रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन द रिवर्स डायरेक्शन आप इसको लिखेंगे इफ़ आ रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस अगर एक रिएक्शन जो है वो नहीं होती है कहाँ पे इन द रिवर्स डायरेक्शन रिवर्स मतलब कि जैसे ही उसने प्रोडक्ट बना दिया तो वापस रिएक्टेंट्स जो है वो नहीं कर सकती है <coughs> जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं दैट इज प्रोडक्ट फॉर्म्ड डो नॉट रिएक्ट टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स अंडर सेम कंडीशन देन सच अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्या लेंगे बेटा C प्लस ओ टू ठीक है कम्बसन ऑफ कार्बन अगर हम लें जैसे कार्बन के साथ अगर हम ऑक्सीजन बर्न करें तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी ठीक है तो अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अगेन डिसोसिएट होकर कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो नहीं बनाती ये ऑब्जर्व रिएक्शन है और अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर वापस होकर रिवर्स होकर जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन नहीं कर सकती तो इसलिए हम इसको क्या गिनाएंगे एक इरिवर्सिबल रिएक्शन हम इसको यहां पे मानेंगे इसी तरह से हम बहुत सारी एग्जांपल जो हैं बच्चों इरिवर्सिबल रिएक्शंस की ले सकते हैं और आपने याद रखना है इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम सिंगल हेडेड एरो से डिनोट करते हैं ठीक है ये भी आप याद रखेंगे सिंगल हेडेड एरो से जो है डिनोट करते हैं क्लियर है अब हम यहां पर जो है की बेटा टाइप्स थोड़ी सी डिस्कस करेंगे हमने इक्विब्रियम रिएक्शन भी जो है वो, समझा दी अब हम बच्चों इक्विलिब्रियम की थोड़ी सी टाइप्स पढ़ेंगे तो आप यहां याद रखेंगे कि जनरली इक्विलिब्रियम इज ऑफ टू टाइप्स इक्विलिब्रियम जो है वो आप अपनी कॉपी पे भी लिखेंगे इक्िब्रियम इज ऑफ टू टाइप्स ठीक है दो तरह का इक्ब्रियम जो है वो होता है वन इज कॉल्ड एक को हम बेटा कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम वन इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम ठीक है एंड अनदर इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम एक को हम फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक को हम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है तो अगर आपको इक्विलिब्रियम समझ में आया तो आपको फ़िज़िकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो एकदम समझ में आ जाएगा देखो बच्चों फ़िज़िकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट कोई दो अपोजिंग प्रोसेस में डेवलप हो जाएगी लेकिन वहाँ पे आपने बताना है कि वहाँ ड्यूरिंग द फिज़िकल चेंज ऑफ दैट दैट टू अपोजिंग प्रोसेसेज मतलब जो जिन दो प्रोसेस के बीच में जिन दो चीज़ों के बीच में जो है वो इक्वलिब्रियम डेवलप हो रहा हो रहा होगा जिसको हम फिजिकल इक्वलिब्रियम कहेंगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है चेंज फिजिकल चेंज बनेगी उनमें ठीक है यानी इसका डेफिनेशन हम इस तरह से लिखेंगे इट इज़ डिफाइंड ठीक है इट इज़ डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ इक्वलिब्रियम स्टेट ऑफ इक्वलिब्रियम स्टेट ऑफ इक्विब्रियम इन विच द टू अपोजिंग प्रोसेसिस इन विच द टू अपोजिंग प्रोसेसिस बच्चों हो गया अपोजिट प्रोसेस जिन जो वहां पर हो रहे होते हैं और आपस में इक्वली ब्रियम बना रहे होते हैं उनको हम अपोजिंग प्रोसेसिस कहते हैं मैं अभी एग्जाम्पल दे के भी आपको समझाऊंगा पहले हम डेफिनेशन क्लियर करते हैं इट इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ इक्विब्रियम इन विच द टू अपोजिंग प्रोसेसिस ठीक है इनवाल्व दो अपोजिंग प्रोसेसिस क्या इन्वॉल्व करते हैं ऑनली एंड ओनली अ चेंज इन देयर फिजिकल स्टेट ऑनली ओनली ओनली एंड ओनली अ चेंज इन फिजिकल स्टेट यानी इनके फिजिकल स्टेट में जो है वो चेंज आती है केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम रहता है चेंज जो है वो फिजिकल स्टेट में आती है ठीक है फिजिकल स्टेट जो है वो आपस वो उनकी चेंज हो जाती है और केमिकल कंपोजिशन जो है उसमें कोई चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि विच जैसे आपने देखा है इन्वॉल्व ऑनली अ चेंज इन फिजिकल स्टेट विदाउट किसके बगैर विद आउट एनी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है विदाउट एनी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन बगैर किसी केमिकल कम्पोजिशन के चेंज के केमिकल कम्पोजिशन में कोई चेंज कोई बदलाव जो है वो यहाँ हमको देखने को नहीं मिलता है तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम फिज़िकल इक्विलिब्रियम कहते हैं जैसे सपोज़ कीजिए हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं फिज़िकल इक्विलिब्रियम की बच्चों मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एच टू ओ लिया और एच टू ओ जो है ये हमने क्या लिया सॉलिड लिया ठीक है एच टू सॉलिड का मतलब हो गया जैसे आइस क्यूब्स हमने लिए वाटर के फ्रिज्ड आइस क्यूब लिए और यहाँ पे साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी हम डालेंगे डबल हेडेड से जिसको रिप्रेजेंट करेंगे और आगे हम लिखेंगे एच टू ओ लिक्विड देखो यहां पर दो अपोजिंग प्रोसेस क्या बन रहे हैं एच टू ओ सॉलिड जो है वो मेल्ट होके लिक्विड बन रहा है और लिक्विड जो है वो फ्रीज होके जो है वो क्या बनाता है क्या बना रहा है सॉलिड यानी आइस बना रहा है तो यहां पर ये दो तरह के दो तरह के प्रोसेसेस यानी मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ दिस वाटर ये दो प्रोसेस यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं बच्चों कि अगर हमने एक कंटेनर लिया यहाँ पर और इस कंटेनर के अंदर अगर आपने जैसे H2O सॉलिड जहाँ पर मैंने बच्चों अभी लिखा पीछे उसको आप आइस करके लिख सकते हो बीच में तो रिवर्सिबिलिटी साइन आपने डाली दी और एस्टो लिक्विड वो भी लिखा आपने ठीक है तो यहाँ जो है अब हम लिखेंगे अगर हम कुछ आइस जो है और वाटर जो है वो एक परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोस फ्लास्क के अंदर जो है वो लेंगे बच्चों एट नॉर्मल कंडीशन ऑफ़ टेम्परेचर एंड प्रेशर ठीक है नॉर्मल कंडीशन ऑफ़ नॉर्मल कंडीशन ऑफ़ टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर हम लेंगे ठीक है कुछ आइस और वाटर एक साथ एक क्लोज कंटेनर जो कि परफेक्टली इंसुलेट होगा जैसे थर्मास फ्लास्क हो गया तो वहाँ पे हमको एक ठीक है एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो है दोनों आइस और वाटर के बीच जो है वो आ, हो, मतलब होते हुए जो है वो दिखेगी बेटा ऑब्जर्व होगी कि यहाँ पर क्या होगा जो भी हम आइस क्यूब्स देखेंगे ठीक है जो ये आइस क्यूब्स होंगे यहाँ पे और जो ये वाटर होगा यहाँ पे लिया हुआ इन दो के बीच में यहां पर जो है एक एक्टिविटी होगी यानी डेवलप होगा जिसमें हम ये एक दी दी लिक्विड्स। कि सम ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द साइड ऑफ लिक्विड कि लिक्विड वाटर से कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ठीक है दे विल गो इन टू द आइस साइड और एंड द सेम नंबर ऑफ आइस मॉलिक्यूल्स जो हैं यानी जितने वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ आइस में कन्वर्ट हो गए यहाँ आइस में आ जाएंगे उतने ही आइस के मॉलिक्यूल्स जो हैं दे विल गो इन टू दिस लिक्विड साइड तो बोथ विल मेंटेन बोथ विल डेवलप अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ठीक है एंड यू शुड हैव टू कीप इन माइंड दैट द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द आइस इंटू वाटर एंड वाइस वर्सा यानी आप उल्टा भी बता सकते हैं अगर आपने यहाँ पे बता दिया रेट ऑफ़ ट्रांसफर ऑफ मॉलिकल्स फ्रॉम आइस टू इंटू वाटर या फिर आप वाटर टू आइस भी बोल सकते हैं वो क्या रहेगा इट इज़ फॉन्न टू बी सेम डू टू विच देर इज़ नो मास ट्रांसफ़र तो ये जब सेम रहेगा तो कोई भी मास जो है वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा सिर्फ एक फिजिकल चैन जो है हमको यहाँ दोनों के बीच यानी आइस और वाटर के बीच जो है वो देखने को मिलेगी फिजिकल स्टेट में चेंज देखने को मिलेगी फिजिकल स्टेट यानी वाटर जो लिक्विड था वो आइस सॉलिड में बदलेगा और आइस जो सॉलिड था वो लिक्विड वाटर में बदलेगा और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेम अमाउंट ठीक है सेम अमाउंट ये यह यहां से लिक्विड में और लिक्विड से यहां सॉलिड में आ जाएगा तो ऐसे इक्विब्रियम को हम ऐसे फिजिकल इक्विब्रियम को हम क्या कहेंगे सॉलिड लिक्विड इक्विब्रियम कहेंगे और हम इसको किस तरह से लिखेंगे बच्चों एच टू ओ सॉलिड ठीक है रिवर्सिबल साइन यानी डबल हेडेड एर और यहाँ लिखेंगे हम एच टू ओ लिक्विड ठीक है और ये यह आपका क्या आ गया ये आपका सॉलिड है और ये आपका यहाँ पे लिक्विड वाटर है ठीक है अब यहाँ पे कुछ बातें आपने और याद रखनी है कि ये जो इक्विलिब्रियम है सिंस एक स्टार पॉइंट में लिखेंगे आप सिंस एन एक्ब्रियम सिंस एट इक्लिब्रियम बोथ दे अपोजिंग प्रोसेसिस आर इन मोशन हाँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस एक्विब्रियम पे बच्चों दोनों अपोजिंग प्रोसेसिस जो हैं बोथ दे एट इक्िब्रियम लिखना बेटा एट इक्िब्रियम बोथ दे अपोजिंग प्रोसेसिस बोथ दे अपोजिंग प्रोसेसिस आर इन मोशन कि जो जिन दो प्रोसेसेस अपोजिंग प्रोसेस के बीच इक्विलिब्रियम डेवलप हो रहा होता है वो मोशन में होते हैं दैट इज़ वाई दैट इज वाई सच एन इक्विलिब्रियम तो फिर हम ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं सच एन इक्विलिब्रियम इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम इसको क्या कहते हैं हम डाइनेमिक इक्विलिब्रियम डाइनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम दो अपोजिंग प्रोसेस के बीच डेवलप होता है और वो दोनों अपोजिंग प्रोसेस जो है वो क्या होते हैं मोशन में होते हैं वो मोमेंट कर रहे होते हैं इसके अलावा भी एक इक्विलिब्रियम एक होता है जिसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं ठीक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो बॉडी या सबस्टम्स होती है वो मुँह नहीं कर रही होती है जैसे सपोज करें कि अगर ये अगर हम इसको लेकिन हम फिज़िक्स के आ, मतलब आ, उसके लहजे से देखेंगे फ्राम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे इसको कोई ऑब्जेक्ट है ये आपका अगर आप इसको यहाँ से ठीक है फ़ोर्स अप्लाई करके जो है वो इधर की और आप क्या करते हैं यहाँ से फोर्स इसको आप अप्लाई कर रहे हैं देखिए इन द डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन को देखिए यहाँ की तरफ आप इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप ये सोचते हैं कि, कि ये यह यहाँ की तरफ मुँह हो लेकिन फिर आप यहाँ से भी इसको सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो बोले फिर जो ये आपका ऑब्जेक्ट होगा क्या ये यहाँ से मूव कर पाएगा क्योंकि जितनी फोर्स इसको यहाँ से आ रही है उतनी फोर्स इसको यहाँ से भी आ रही है तो ये स्टेटिक मतलब स्टेशनरी रहेगा यहाँ पर एक ही जगह पे तो इसको भी हम बताएंगे ना कि ये भी इक्लिब्रियम बनाए हुए है कि जितना अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ से आ रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो यहाँ से भी ये फील कर रहा है ठीक है तो इट मीन्स इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इक्लिब्रियम बट दिस काइंड ऑफ इक्लिब्रियम इज कॉल्ड एज स्टेटिक इक्विब्रियम लेकिन यहाँ जो हम फिज़िकल इक्विलिब्रियम की ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है बच्चे डायनामिक का मतलब आपने समझना है कि जब वहाँ पर दो अपोजिंग प्रोसेस जो है वो मोशन में जब होंगे तो हम उसको डिया, उसको डायनेमिक बोलेंगे ठीक है रेस्ट में होंगे तो उसको हम स्टैटिक बोलेंगे लेकिन यहाँ जो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम हम डिस्कस कर रहे थे वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा ठीक है इसी तरह से आप बताएंगे यहाँ पे कि जो इनका टेम्परेचर होगा द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस ऑफ दिस प्योर सबस्टांसिज आर एट इक्विलिब्रियम ठीक है एट वन एटमोसफियर प्रेशर नॉर्मल प्रेशर पे जो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पे होंगे इट विल बी कॉल्ड एज द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट अब ये आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा और वाटर के लिए जो है वो हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है यहाँ इस इक्विब्रियम और इस इक्ब्रियम के यहाँ पे कुछ करेक्ट्रिस्टिक्स हैं बच्चे ठीक है सच एन इक्ब्रियम हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद इट वाट आर दिस फर्स्ट वन इज यहाँ पे क्या होगा हमने पीछे थर्मोडाइनमिक्स का लास्ट 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 टॉपिक जो है वो फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा था तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि फ्री एनर्जी चेंज ऐसे इक्ब्रियम में क्या होगा फ्री एनर्जी चेंज जो होगी बच्चों वो होगी जिसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे डेल्टा जी ट विल बी इक्वल टू जीरो जीरो के बराबर होगी ठीक है ये आपने याद रखना है यानी कोई फ्री एनर्जी में चेंज यहां पर नहीं होगी वो जीरो के बराबर होगी एक चीज यह आप जरूर है दूसरी चीज आप बताओगे द टू अपोजिंग प्रोसेस विल अकर एट सेम रेट टू अपोजिंग ठीक है प्रोसेस जिनके बीच ये इक्लिब्रियम डेवलप होता है द टू अपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट ठीक है सेम रेट यानी सेम स्पीड से जो है ये वहां पर हो रहे होते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप बताएंगे ठीक है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप बताएंगे बच्चों कि द टू चेंजेस अकर एट द सेम रेट ये दोनों चेंजेस जो है यहां पे ठीक है द टू चेंजेस द टू चेंजेस अकर एट दी सेम रेट एट दैम रेट सो दैट लेकिन इस तरह से ये सेम रेट से दोनों चेंजेस यहाँ पे जो है वो अक्कर हैं सो दैट द मास आन बोथ साइड्स ऑफ इक्िब्रियम एक्वलीबियम के इक्िब्रियम के दोनों साइड जो ये मास है बेटा वो अपने आप में कोई चेंज शो नहीं करता है सो दैट दे मास ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्ब्रियम शोज नो चेंज इसमें कोई तब्दीली इसमें कोई चेंज जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है इसी तरह से बचो हम फिजिकल इक्ब्रियम की और भी कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जैसे मान लीजिए लिक्विड ठीक है लिक्विड गैस इक्ब्रियम भी आप ले सकते हो लिक्विड गैस इक्लिब्रियम का मतलब हो गया कि अगर एक चीज़ लिक्विड है और दूसरी चीज़ जो है वो गैस हो रही हो तो उन दो के बीच में भी इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप हो सकता है ठीक है तो अगर हम ऐसे इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना चाहें तो मान लीजिए कि मैंने एक कंटेनर लिया यहाँ पे मैंने एक लिक्विड यानी वाटर ही मान लीजिए लिया मैंने यह लिक्विड लिया अब जब मैं इस लिक्विड में मैंने क्या कर दिया एक आ, मतलब मोनोमीटर मैंने मोनोमीटर मतलब एक डिवाइस जो कि लिक्विड का लेवल जो है हमको वहाँ उसका इंफॉर्मेशन देती है कि ये लेवल ऑफ लिक्विड या वाटर वगैरह जो है उसका लेवल कहाँ तक है कंटेनर में तो इसमें मोनोमीटर फिट किया हुआ है सपोज करें कि इसमें हमें इस लिक्विड वाटर का या लिक्विड का जो लेवल है वो यहाँ पे यहाँ तक दिखे स्मार्क तक अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इस लिक्विड को हम यहाँ पे एकदम क्या करते हैं हीटिंग करते हैं इसकी इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ एवोप्रेशन यू नो शुरू होगा वाटर जो है वो अपना स्टेट बदले बदलेगा ऐसी सिचुएशन में वो वेपर में बदलना शुरू हो जाएगा जैसे ही वाटर यहाँ पर वेपर में बदलेगा ठीक है तो पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा जैसे जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि एज़ वी विल हीट दिस कंटेनर बच्चों, जैसे हम कंटेनर को हीट करेंगे तो ये जो लिक्विड का यानी इस वाटर का सपोज़ कीजिए इस कंटेनर में जो लेवल होगा द लेवल ऑफ दिस लिक्विड या वाटर इन दिस मानोमीटर डिक्रीज ये यहाँ के बजाय जैसे ही ये इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा वेपर में बदलना शुरू करेगा तो इसका लेवल जो है यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा इसका लेवल मोनोमीटर क्या दिखाएगा डिक्रीज नीचे की तरफ शो आ, करेगा वो मतलब डिक्रीज होना शुरू कर देगा क्यों बिकॉज यू नो इनिशियली यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन टेक्स प्लेस क्योंकि यहाँ पे तो उस समय एवॉपरेशन का प्रोसेस हो रहा है वाटर जो है वो वेपर में बदल रहा है तो लिक्विड का वाटर लेवल जो है वो कंटेनर में डिक्रीज हमें देखेगा मोनोमीटर की हेल्प से नाउ आफ्टर सम टाइम ए कंसिडरेबल एक्टिविटी इज फाउंड यहाँ पे हम अगर कुछ समय के बाद यहाँ पर देखें इस कंटेनर में कि वो ये होगा कि आ, कंडेंसेशन जो है यहाँ पर वापस शुरू हो जाएगी कंडेंसेशन का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो ये वापर बन वाटर जो व्यापर में बदल रहा था यही व्यापर कुछ समय के बाद जो है वो यहाँ पे लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा किस में कन्वर्ट होगा लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा तो जब वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं यहाँ दो अपोजिंग प्रोसेस जो है हमको वाटर का वाटर का वेपर में बदलना जो है वो हमें एवॉपरेशन कहलाया यहाँ पर और वेपर का अगेन कन्वर्ट होना किसमें लिक्विड uh, में उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं तो एवापरेशन और कंडेंसेशन यहाँ इस किस्म के इक्विलिब्रियम में हमारे दो अपोजिंग प्रोसेस हैं ठीक है तो कुछ समय के बाद हमको क्या दिख रहा है कंडेंसेशन जो है वो शुरू हो जाती है आफ्टर सम टाइम कंडेंसेशन आल्सो स्टार्ट्स एंड यू नो लेवल ऑफ दिस लिक्विड आर वाटर इन कंटेनर अगेन स्टार्ट्स राइजिंग ठीक है उस मोनोमीटर में जो हमारे पास लिक्विड का लेवल होगा बच्चों वो फिर से हमें देखेगा अगर वो डिक्रीज़ हो गया था वो हमको फिर से देखेगा राइज होते राइज होते हुए ठीक है तो यानी फिर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी और अगर आप यहाँ पर देखोगे कि बिगनिंग में यहाँ पे क्या हो रहा था ठीक है इन द बिगनिंग द रेट ऑफ ऑपरेशन इनक्रीजेज़ पहले शुरुआत में जब ऑपरेशन का प्रोसेस शुरू हो गया था तो ऑपरेशन इंक्रीज़ हो गई थी एब ऑपरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज हो गया था एंड देन जब कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो कंडेंसेशन का प्रोसेस भी जो है उसमें उसका रेट भी जो है वो भी कुछ समय के बाद जो है वो इंक्रीज हुआ ठीक है आफ्टर सम टाइम तो एक स्टेज आफ्टर सम टाइम जब ये दोनों रेट्स इंक्रीज होते हैं तो उनके कुछ समय के बाद हमको फिर से एक कंसिडरेबल एक्टिविटी जो है दोनों के बीच देखने को मिलती है यानी जब एक जब एक टाइम ऐसा आ जाता है स्टेज कम्स व्हेन वी फाउंड दैट द रेट ऑफ दिस एवोपरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ एवोपरेशन जो है वो किसके बराबर हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर यानी जिस स्पीड से यहाँ पे लिक्विड जो है वो वेपर में बदलता है सेम अमाउंट ऑफ वेपर जो है वहाँ से यहाँ यानी लिक्विड में बदलता हुआ यहाँ पे दिखता है ठीक है और यहाँ पे जो मोनोमीटर का लेवल जो यहाँ पे था बेटा जो हमें लिक्विड का लेवल दिखाता था जिस समय यहाँ पे इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच डेवलप हो जाएगा उस समय मोनोमीटर का जो लेवल होगा बेटा लिक्विड का वो कॉन्स्टेंट रह जाएगा वो एक ही जगह पे तब जो है वो रह जाएगा द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द मोनोमीटर देन रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड क्म इज सै टू बी एस्टेब्लिश तो तब हम कहेंगे कि पे इस समय जब हम देखेंगे मोनोमीटर में सेम रह गया है ठीक है कॉन्स्टेंट रह गया है तो ऐसी सिचुएशन में हम समझने लगेंगे कि इस समय जो है वो इक्विब्रियम डिवेलप हो चुका है इन दोनों अपोजिंग प्रोसेस के बीच ठीक है और यहां पर हम अगेन बच्चों ये बात कहेंगे

तो अगर ये मोशन में है तो फिर हम ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे dynamic equilibrium कहेंगे, ठीक है तो यहां पे बच्चों आपका कहोगे एंड द प्रेशर एक्सटेड बाय दिज वेपर्स ऑफ द लिक्विड एट दिस स्टेज और जो इन वेपर्स का यहां पे प्रेशर जो बनेगा ठीक है इन वेपर्स प्रेशर वेपर्स ऑफ द लिक्विड एट दिस स्टेज इज कॉल्ड एज उसे हम वेपर प्रेशर बुलाएंगे उसे क्या बुलाएंगे हम उसे कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड और ऐसे इक्विलिब्रियम को हम किस तरह से डिनोट करेंगे बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पर एच टू ओ लिक्विड ठीक है और डबल हेडेड एरो साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी डालेंगे और एच टू ओ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे गैस यहाँ से लिक्विड जब गैस में बदलेगा तो एवॉप्रेशन होगी और जब गैस जो है वेपर जो है वो वापस यहाँ पे लिक्विड में बदलेगी तो कंडेंसेशन होगा तो दो अपोजिंग प्रोसेस यहाँ पर यही होंगे हमारे पास जो कि हम कहते हैं एवॉप्रेशन एंड कंडेंसेशन तो उनके बीच तो इसी तरह से जो है बच्चों हम फिज़िकल इक्वेब्रियम की बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो ले सकते हैं फिजिकल इक्वेब्रियम की ठीक है जैसे मान लो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम फिज़िकल इक्वेब्रियम की ले सकते हैं बच्चों थर्ड एग्जाम्पल जो है आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो मान लो कि हमने क्या लिया एक हमने एक कंटेनर लिया बच्चों उस कंटेनर में हमने जो है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लिक्विड लिया ठीक है कुछ कैलकुलेटेड अमाउंट हमने लिक्विड लिया सॉल्वेंट लिया और उसमें हमने कोई साल्ट या शुगर जो है वो क्या कर दिया डिजोल्व कर दिया मतलब उसमें हमने कुछ साल्ट डाला या शुगर डाला दो में से कोई एक चीज डाल दीजिए यानी सोल्यूशन करना है आपने यहां पे वो साल्ट या शुगर जब आप इस वाटर में बच्चों डालेंगे तो वो आके क्या हो जाएगा यहां पर डिजॉल्व हो जाएगा लेकिन 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 यानी अगर आप ये साल्ट या शुगर कंटिन्यू रखेंगे यहां पे ठीक है इस वाटर के साथ मिक्सिंग के लिए डिजोल्व करने के लिए तो फिर जितना वाटर यहाँ पर आपने कैलकुलेटेड लिया होगा बच्चों उसमें भी कुछ कैपेसिटी ही होगी इस साल्ट या शुगर को अपने आप में डिजोल्व करने की तो जितना आप यहाँ पर डालते जाओगे डालते जाओगे अब इस कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लिक्विड ने सॉल्वेंट ने जितना अपने आप में डिजोल्व करना है वो उतना ही करेगा उसके बाद का जो होगा वो यहाँ बॉटम पे आपका एक्यूमलेट डिपॉजिट होता चला जाएगा स्टोर होता चला जाएगा और आपको पता है ऐसे सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन भी कहते हैं

और ढलते ढलते आप देख रहे हो कि ज्यादा हो गया तो वो डिपॉजिट हो गया यहाँ पे लिक्विड ने छोड़ दिया है लिक्विड ने उसको अपने आप में डिजोल्व किया ही नहीं है जो एक्स्ट्रा हो गया तो वो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया यानी वो क्या रह गया है एज अ पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट रह गया तो अब यहां पर जो इक्विलिब्रियम दो अपोजिंग प्रोसेस जो यहाँ पर आप पहचानेंगे बच्चों वो होगा ये डिजोल्व पार्ट जिसको हम डिसोल्यूशन कहेंगे एक तो ये और दूसरा जो है यहां पे हमारे पास रहेगा प्रेसिपिटेशन वाला पार्ट यानी हम यहां पे कहेंगे बेटा इक्विलिब्रियम हेयर गाइड्स डेवेल्पड बिटवीन डिसोल्यूशन पार्ट ऑफ द यू कैन से जो कंटेनर होगा एंड दूसरा होगा आपके पास प्रेसिपिटेशन पार्ट और हम यहाँ कहेंगे रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे ठीक है तो यहाँ पर जो ये एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं कि सॉलिड को लिक्विड में जब हमने यहाँ पर डिजॉलू किया है ठीक है तो यहाँ बच्चों हमको एक ऐसी कंसिडरेबल एक्टिविटी दिखेगी देखने को मिलेगी कि जैसे ही आप यहाँ बताएंगे कि वो जो प्रेसिपिटेट होगा ठीक है जो एक्स्ट्रा वहाँ पे वो सॉलिड होगा ठीक है या वो शुगर यानी शुगर या साल्ट जो आपने डाला होगा वो सॉलिड तो उनके बीच इक्विलिब्रियम क्या होगा उनके लिए यहाँ पे आप देखोगे कि जितना बेटा ये जो प्रेसिपिटेटेड पार्ट होगा इस शुगर या साल्ट का जितना ये यहाँ से जो है इस डिसोल्यूशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा यानी जितना यहाँ डिसोल्यूशन में इसके ही बराबर का जो साल्ट या शुगर वहाँ डिजोल्व हो गया होगा जब ये यह यहां से उधर जाएगा तो सेम अमाउंट वहां से निकल के जो है इसकी प्रेसिपिटेशन की जगह पे आ जाएगा तो दोनों के बीच जो है हम यहां पर कहेंगे कि एट दिस स्टेज एज मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर आर डिजोल्व इन टू दिस सोल्यूशन इस स्टेज पे हम क्या बताएंगे कि जितने मॉलिक्यूल जो शुगर के हैं वो डिजोल्व हो रहे हैं सोल्यूशन में यानी जिनका डिसोल्यूशन हो रहा है द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर फ्रॉम दिस सोल्यूशन आर प्रेसिपिटेटेड आउट तो फिर उस सॉल्यूशन से भी उतने ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट आउट होंगे यानी वो प्रेसिपिटेशन होगी उनकी वो बाहर आएंगे इन सॉलिड पार्ट जैसे वो डिजॉल्व डिपॉजिट था उसकी जगह पे वो वहाँ से सॉल्यूशन से निकल आएंगे तो दोनों के बीच हैंस यू कैन सी द अमाउंट ऑफ अनडिजॉल्व शुगर इस प्रेसटेट को आप अनडिजोल्व शुगर भी बोलोगे हैंस द अमाउंट ऑफ अनडिजोल्व शुगर एंड एनडिजॉल्व वन रिमेंस कॉन्स्टेंट और अगर हम देखेंगे ये अमाउंट क्वांटिटी जो अनडिजोल्व शुगर की और डिजॉल्व शुगर की है वो क्या रहेगी आपस में कॉन्स्टेंट रहेगी इन दिस केस द इज एज तो उसको लिखेंगे आप रेट ऑफ रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन आप यहां पे लिखेंगे इस तरह से ठीक है नेक्स्ट जो है बच्चों मोर आवर वी कैन से अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम्स ये एक स्टार पॉइंट आप लिखेंगे यहां पर मोर आवर वी कैन से अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम इन हंड्रेड दैट डिजोल्व दिजोल्व दैट इज डिजोल्व इन वन हंड्रेड ग्राम ऑफ सॉलेंट ठीक है वन हंड्रेड ग्राम ऑफ सॉलमेंट टू जो एक सौ ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा किसके लिए टू फॉर्म द सैचुरेटेड टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए और किस टेम्परेचर पर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब जो उसका सिचुएशन ली रहेगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी बच्चों उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉलिड सॉलिबिटी ऑफ दैट सॉलिड इन द गिवन सॉलवेंट इन दिवन सॉलवेंट इन द गिवन सॉलवेंट एट दैट टेम्परेचर एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर ठीक है तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने फिजिकल इक्विब्रम की डिस्कस की एक्चुअली हम पढ़ रहे थे बेटा जो रिसेंट हमारा यहाँ पे ये हेडिंग चल रही थी वो था टाइप्स ऑफ इक्विब्रियम जिसमें हमने कहा कि ये दो तरह का होता है फिजिकल इक्विब्रियम और केमिकल इक्विब्रियम तो बेटा फिजिकल इक्विब्रियम जो है हमारा वो यहाँ पे लगभग हो गया उसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस की तो केमिकल इक्विब्रियम को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो आज के लेक्चर में इतना ही गुड बाय टेक केयर स्टे फिट एंड स्टे सेफ